वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग दुर्गा रिएक्शन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली आवाज़ हक एक्स मुस्लिम के ऊपर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती कि मुझे बहुत बैड बैड कमेंट्स आते हैं कुछ अंधभक्तों के, जो अपनी अंधभक्ति में चूर होते हैं, इतने घटिया घटिया कमेंट करते हैं। वो खुद घटिया रहते हैं इसलिए घटिया कमेंट करते हैं, उनकी फैमिली खुद घटिया रहती है, उनके माँ बाप के संस्कार ही घटिया रहते हैं इसलिए उनको संस्कार ही घटिया दिए हुए होते हैं। जिनके माँ बाप के संस्कार ही घटिया हो तो खुद के संस्कार तो घटिया रहेंगे। जैसे वो उस घटिया वैसे उनके माँ बाप घटिया, उनकी फैमिली घटिया है, उनकी माँ बहनें घटिया है, इस लाके वैसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो तुम लोगों क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी बनाऊँ, तुम लोग अपने काम से मतलब रखो। खुद की ज़िंदगी से मतलब नहीं होता, दूसरों के ज़िंदगी में जहर घोलने आ जाते हो। अरे अपनी फैमिली पे ध्यान दो, दूसरों को देने से अच्छा खुद पे ध्यान दोगे तो कुछ कर भी लोगे। दूसरों में ज़िंदगी में आग लगाने से अच्छा अपने ऊपर ध्यान दो, समझे। जो ये अपनी अनभक्ति आके दिखाते हो कमेंट में, फालतू कमेंट करते हो, तुम इतने गिरे हुए लोग हो, इतने गिरे हुए लोग हैं। तो ये अपनी गिरी हुई सोच जरा ना अपने पास ही रखा करो। ये जो अपनी गिरी हुई सोच है ना, कमेंट में आके मत दिखाया करो, अपने तक ही सीमित रखा करो। तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तो यहाँ पे आके अपना गंदी नाली के कीड़े वाली जो विचार होते हैं वो मत दिखाया करो। मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी फैमिली मना नहीं करती, मेरे भाई कोई मना नहीं करता, तुम कौन होते रोकने वाले। तुम्हारा क्या हक है बोलने का, अपने काम से मतलब रखो। तुम्हारे क्या कीड़ी काटती है, क्या तुम्हारे चिलमस्ती है, बड़ी तुम्हारे आग लगती है। हिंदू लोग मुस्लिम लोग भी तो हिंदू की वीडियो बनाते हैं, तब तो तुम्हारे आग नहीं लगती, तुम्हारे दिल में तुम्हारे जिसमें तब तो आग नहीं लगती, तब तो जाके अच्छे अच्छे कमेंट करते वहाँ पे, तब तुम्हारे आग नहीं लगेगी, तन बदन में आग नहीं लगेगी। आते बड़ा अपना रंग दिखाने, रंग रूप दिखाने, तो घटिया कमेंट ना मेरे पे ना किया करे। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं सबको बैठ कर रिप्लाई देते रहो। तुम्हारी तरह मैं भी घटिया सोच वाली नहीं हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो बोलना है मैंने इस वीडियो में बोल दिया है। तो जो ये संस्कार अपने झलकाते हो, अपने माँ बाप से गंदे संस्कार जो मिले हैं, ये गंदे संस्कार मेरा कमेंट में मत आके दिखाया करो। गंदी नाले के कीड़ों अंधभक्तों, तो ये अपने पास ही सीमित रखा करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट स्टार्ट। अच्छा वो जो आवाज हक आपको आवाज दे रहा था, लेके आना साले को, आता क्यों नहीं, अटकता क्यों है, कुत्ता भौंकते रहता वहां पे अपने चैनल पे, यहां पे आए ना, क्या बकवास तो नहीं है, क्या है उसे, क्या औकात नहीं है उसकी, डरता क्यों है। वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, सब्र करे, वो मुसलमान है, पाकिस्तान में रहता साला हरामजादा, वहां पे क्रिश्चियनों को वहां पे जलील कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। हरामी ना हो तो मेरे मुंह से सुनोगे तुम, पाकिस्तानी जो इस किस्म के मोमिन है, शट अप। ये जो पाकिस्तानी, तुम इंडिया में रहते हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में एक बंदा जो है वो बारबेक्यू की शॉप नहीं खोल सकता क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन बैंड चोत प्लीज है, उनके हाथों को लग गया साले, रुक, उनके हाथों का बना हुआ गोश्त नहीं वो खा सकते हैं। तुम मुझसे आगे ये बात करे, वो वाले डंगर हरामी के चैनल पे मैं जाऊं, वो यहाँ पे आया, उसे उसकी औकात दिखाऊंगा, बाप हूं मैं उसका। उस बंदे की बात करे मेरे साथ जो अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है गाली से और खत्म करता है गाली पे, वो आए मेरे सामने, उसको भी उसके पैर के नीचे लेके आऊंगा, उसके पैर के नीचे लेके आऊंगा, आए मेरे सामने, वहां पे बैठ के गालियां देता है वो, उसकी औकात ही नहीं है मेरे सामने आ सके। पाकिस्तानी है जितने भी मुस्लिम है ना, जिन्होंने चैनल खोले हुए, पाकिस्तानी मुस्लिम, ये जो पाकिस्तानी मुस्लिम जिन्होंने चैनल खोले हुए हैं, मुझे आए किसमें हिम्मत है यहाँ पे आके बकवास करे, अपने मजहब को डिफेंड करके दिखा दे, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। वो जितने भी आएंगे वो आके लेफ्ट राइट जाएंगे, वो केडी मुस्लिम नहीं आता, वो आके क्या करता है, जलील करके रख दिया था उसको। ये लोग बात भी नहीं कर सकते जितने भी पाकिस्तानी आते हैं मेरे पास आके, बात करते हो तुम। मैं पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखा है, मुझे पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पे हिंदू जो लड़कियां हैं उनको क्या कहते हो तुम लोग, गश्तियां कहते हो, चौंकते हो तुम लोग वहां जाके उनको। हैदराबाद और कराची के दरमियान में जो एरिया है, उस एरिया में जो हिंदू बच्चियों का इलाका है,
जब दिल करता है आवाज उठा के तुम बच्ची लेके आ जाते हो, उसे चोद के रख देते हो। ये तुम्हारी औकात है पाकिस्तान के अंदर? है कोई पाकिस्तानी आया मुझे बताएं? साल में 600 हिंदू बच्चियों का रेप करते हो तुम लोग, और उसका इस्लाम के नाम के ऊपर कन्वर्जन दिखा के दिखा देते हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तकलीफ समझ सकते हो। शांत, असलियत नजर आ रही है पाकिस्तान की, तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सारे करने लग पड़े हैं भाई, बात तो सुन लो। तुम बैठ के कर रहे क्या है? ये असल मसला यही है ना कि तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हारे चैनल पे आए, लेकिन मसला ये है कि तुम उनको म्यूट कर देते हो या निकाल देते हो। किसको म्यूट किया मैंने? अभी पीछे इतने लोग आके बैठे रहे हैं, बात की है, एक बंदे को म्यूट नहीं किया। तुम जी झूठ बोल रहे हो अबू दाऊद, तुम तो झूठा ही को नहीं, अल्लाह मकार हो तुम झूठे। किस बंदे को म्यूट किया मैंने अभी तक? नहीं नहीं, हेलो ना, रुको यार, अभी अबू दाऊद से बात करता हूँ मैं। किसको म्यूट किया बता मुझे भाई? वो जो तुम्हारा आया था दल्ला केडी मुस्लिम, बहुत अच्छी जबान इस्तेमाल कर रहे हो ना, यही यही जबान, यही जबान तुम्हें सिखाई क्रिश्चियनिटी ने। मुझे ये जबान मोहम्मद ने, यही जबान तुम्हारे ईसा अलैहि सलाम ने तुम्हारे, तुम जिसको खुदा का बेटा कहते हो, मुझे यही जबान उन्होंने सिखाई है कि तुम इस किस्म से बातें करोगे, सिर्फ चिल्लाओगे और ना गाली गलौज करोगे। हाँ, हिम्मत तो तुम्हारे पास। आके साहिल के चैनल पे भी कहा था कि साहिल मीडिया मॉडरेटर रहेगा और तुम उसके साथ बात करो, तुम्हारे पास वो भी हिम्मत नहीं भाई। देखो साफ बात है, सबको दिखता है तुम्हारा चैनल है, तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम्हारा चैनल है, तुम्हें पैसे मिलेंगे, सबको पता है ये बात, इसलिए तुम साहिल के चैनल पे भी डिबेट करने के लिए नहीं आ रहे थे ना। अगर तुम्हें इतना ही है तो साहिल भी बैठा हुआ है, साहिल बैठा हुआ है, अभी बात कर लो, साहिल को एज अ मॉडरेटर ले लो और फिर तुम है ना उसके साथ आवाज़ हक के साथ बात कर लो। मगर तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। आवाज़ हक की वो गाली से शुरू होता है, गाली पे खत्म करता है अपनी। तो भाई अगर 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 सही तरीके से अगर बात हो जाएगी, की बातें कर रहे हो, वो किस तरह की गाली गलौज करता है पता है तुम्हें? भाई देखो, जो अगर गाली गलौज करता है गलत बात है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। कोई भी इंसान हो अगर वो गाली गलौज करता है वो बिल्कुल गलत बात है, वो गलत बात है। इवन आदम जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहा है ये भी गलत बात है। ओ भाई खामोश हो जाओ यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा आदम। भाई आराम से बात करो, बारी बात करनी है कि नहीं? मुझे पहले बात करने दो। नहीं, तूने बात की, मेरी बात है जवाब देने की। अब तुम मुझे म्यूट करोगे और निकालोगे? अबे साले भैंड चोद, तुझे मैं जलील करके यहां से निकालूंगा और ब्लॉक करूंगा। ये देख, दो मिनट तू बोला है, अब जवाब लेना नहीं है? हराम की औलाद ना हो तो प्रचार करने यहाँ पे आते हैं वाजे हक का, यहाँ पे आके अब तुम मुझे करोगे? तुमने दो मिनट बोला, अब तुम्हें जवाब देने लगा, तुम्हें भैंड चोद चुप नहीं हो रही? देखिए कितने घटिया लोग होते हैं, एक्स मुस्लिम कैसे गाली गलौज करते हैं। अरे खुद की सोच इतनी गिरी हुई होती है, दूसरों को कैसे बोलते हैं? खुद पैसों के लिए सुपर चैट के लिए आके उल्टे सीधे कम बोलेंगे, सोचते हैं कि उनको भीख भीख मंगों को भीख मिल जाएगा, सुपर चैट मिल जाएगा, कोई पैसे दे देगा उनको, भीख भीख दान में दे देगा खारे को। तो आके बड़े उल्टे सीधे वर्ड बोलते हैं, वो वीडियो में आके उल्टे सीधे वर्ड बोलते हैं, उनको यही काम रहेंगे, उनको यही सीख दिए, उनके क्या बोलूँ, उनको यही संस्कार दिए गए, वो आके उल्टे सीधे बोलते हैं। कितने घटिया सोच होते हैं एक्स मुस्लिमों के, कैसे गाली दे, खुद गाली दे रहा था, कैसे एक से गाली दे रहा था, दूसरों को बोला था, आपको तो देख के पता चली गया वो कितनी घटिया सोच है उसकी। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड।